क्या कहेंगे यार, ये दिल्ली 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और 1192 में जब जयचंद उनसे मिल गए, मोहम्मद गोरी से मिल गया तो पृथ्वीराज हार गए। कौन सी धरती थी? यही दिल्ली की धरती थी। यह आजीवन गुलाम रही है। पहली बार गुलामी दास्ता स्वीकार करने वाली यह मट्टी है। तो आज बिजली पानी पे बिक गई, इसको दास्ता मंजूर है, बहुत पहले से मंजूर है। आज हुआ तो हुआ, इसको राष्ट्रवाद कभी पसंद नहीं आया, देश पसंद नहीं आया है, देश की एकता पसंद नहीं आई है, देश की मजबूती पसंद नहीं आई है, धार्मिक आज़ादी है ना, ये नहीं। इनके सीने पे कुतुब मीनार चाहिए, इनके सीने पे लाल किला चाहिए, इनको उसमें मजा आता है। अच्छा, मानतुल्ला खान कह रहे हैं कि शाहीनबाग की जीत है, मोदी की हार है, सीए की हार है। अब देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को कहता था कि पूरे देश के 100 करोड़ लोगों को या दिल्ली के लोग गाली दिए हैं। सीए में कोई बुराई नहीं है, सारा दुनिया जानता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, सारा दुनिया पूछ लीजिए सीए के बारे में, कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि वह अल्पसंख्यक लोग, कमज़ोर लोग, असहाय लोग आके यहाँ नागरिकता 5 साल से रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए हमारा प्रधानमंत्री संकल्पित हुआ, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने तो कहेगा नहीं, उसको मौका मिल गया तो नहीं हुआ। जो शाहीनबाग का मुद्दा था वो बीजेपी पर भारी पड़ गया? नहीं, भारी नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब वो तो कह रहे हैं ना शाहीनबाग में बैठ के, जामिया में बैठ के, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको चाहिए ला इलाहा। अब सारे लोग बैठ के मस्जिदों में, सारे जितने मतदाता हैं जो वोट दिए हैं, भाई परसेंटेज में बीजेपी के कम हैं जो राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग जाएं और वहीं ला इलाहा करें और टोपी पहने और नमाज पढ़े। तो क्या कारण है बीजेपी के हारने का, क्या कारण रह गया, क्या ऐसे काम थे जो छूट गए, बीजेपी पूरा नहीं कर पाई? नहीं 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 नहीं, दिल्ली के हारने का कारण वही बता रहा ना, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ जयचंदों की संख्या ज्यादा है, उस समय भी जयचंद नहीं मिला होता तो यह गुलामी नहीं होता। वही पृथ्वीराज 1 साल पहले हराता है और यही हिंदू जाके उसके घर में घुस जाता है। जब हम एक नहीं रहेंगे, तुम अपनी पहचान नहीं समझ रहे हो कि हमारी पहचान क्या है, कोई डफली 4 बार वह नमाज में पढ़ने जाएगा, 1 बार मंदिर चला जाएगा तो तुम उसको हिंदू बना दोगे, जो तुम्हारे देश के सेना पे सवाल उठाएगा उसको तुम अपना हीरो बना लोगे, जो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे वह बोलेगा, उसको आप उस नेता को आप हृदय में बिठा लोगे। तो आपके बारे में सोचना और कहना, बाकी देश के लोग दिल्ली वालों को किस तरह से देख रहे हैं यह सोच के मुझे भी शर्म आ रहा है, इसलिए कि दिल्ली का मतदाता मैं भी हूँ। अच्छा, बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर चल रही थी, आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे रहा है कि राष्ट्रवाद बीजेपी के इस बार काम नहीं आया? देखिए, राष्ट्रवाद काम आया है, वोट का परसेंटेज कम ने हमने दिया, लेकिन मान गए कि यहाँ गद्दारों की संख्या ज़्यादा है। परसेंटेज आप है ना, उनको पैसा दे दीजिए तो दरवाज़ा खोल के अपनी इज्जत भी दे देंगे, सीधा सीधा बात है। तो क्या लगता है, क्या फ्री काम कर गया केजरीवाल का? हाँ, बस कहने का मतलब सीधे दिल्ली ने कहा कि दिल्ली में भिखमंगों की संख्या सबसे ज़्यादा आते हैं ना अंग्रेज, यहाँ फोटो खींच खींच के ले जाते हैं और दिखाते हैं दुनिया में कि देखो ये दिल्ली में मुझसे 5 रुपया मांग रहा था, ये 10 रुपया मांग रहा था, ये 20 रुपया मांग रहा था, और वो ले जाके चस्पा करते हैं और भारत की तस्वीर दिखाते हैं। वही तस्वीर आज दिल्ली ने दिखा दिया कि हम वही हैं, हमारी पहचान आज भी वही है, उससे बाहर नहीं है हम। अच्छा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जीत हुई और पाकिस्तान बीजेपी है, पाकिस्तान हार गया है। ढोल कहाँ बज रहे हैं, जाके देखिए ना किस मोहल्ले में पटाखे फूट रहे हैं। पाकिस्तान टीवी को जाके देखिए इस समय किस तरह से वहाँ डिबेट चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, जितना खुशी पाकिस्तान टीवी पे देख लीजिए, उनको पूछना चाहिए। और लोग घर जाएं, मैं दिल्ली आज डालिएगा, लोग जितने लोगों के पास जाए, जाके देखिए पाकिस्तान टीवी एक बार खोल के, ARI TV पाकिस्तान का है ना, उस पर इस समय पटाखे, जिस तरह से यहाँ इंडिया जीतता है ना मैच, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के जीतने पर उसमें टीवी पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं।